पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई कंगना रनौत। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर कंगना के पेरेंट्स को हुआ गर्व। एक्ट्रेस के माता पिता ने दिया अपना रिएक्शन। धाकड़ गर्ल ने भी कही ऐसी बात। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सोमवार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो सेरेमनी में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पहुंची थी। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद कंगना काफी खुश नजर आई, जबकि एक्ट्रेस के माता और पिता के लिए भी गर्व की बात बनी। बता दें कि दैनिक जागरण के मुताबिक बेटी की सफलता पर पिता अमनदीप रनौत और माता आशा रनौत ने कहा, कंगना ने अपनी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद से ये सम्मान हासिल किया है। उसने परिवार सहित प्रदेश का नाम भी रोशन कर दिया। कंगना के पिता ने कहा, कंगना की नई फिल्म टीकू बर्ड शेरू के पोस्टर रिलीज के कार्यक्रम के चलते वो पद्मश्री सम्मान समारोह में भाग नहीं ले सकी, लेकिन उनको बेटी पर गर्व है। कई मुश्किलें देखने के बावजूद कंगना ने अपने कदम नहीं रोके और आज वो इस मुकाम तक पहुंची और पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान मिला है। अब कंगना अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहेंगी तथा एक दो माह तक वो हिमाचल नहीं आ पाएंगी। वेल, इसके अलावा कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फॉलोअर्स को धन्यवाद किया है। डालिए इस वीडियो पर एक नज़र। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज्यादा सम्मान, प्यार, अक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से। और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं, और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप में जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।